अब हम भी चलते हैं। झिपरी की शादी की तैयारियां जो करनी है, अपनी बेटी की शादी में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चलिए मैं आपको बस्ती तक छोड़ देती हूँ, इस बहाने आपसे थोड़ी और बातचीत हो जाएगी। क्या वाकई में ये सच होने वाला है? 3 दिनों के बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए शिरडी छोड़ दूंगी। साई को देखे बिना एक दिन भी नहीं रह पाऊंगी मैं। मेरे दिन की शुरुआत तो उसके आशीर्वाद के साथ ही होती है। जिपरी, देख हम लोग शादी शादी खेल रहे अपने गुड़े और गुड़ियों के साथ। मैं अपने गुड़िया की शादी करा रही हूँ, क्या तुम मेरी गुड़िया की मौसी बनेगी? बनेगी ना? तुम लोग खेलो, मुझे उपले बेचने जाना है और उसके बाद पाठशाला भी जाना है। मुझे शादी वादी का खेल बिल्कुल नहीं पसंद। कैसी लड़की है तू, शादी का खेल नहीं पसंद? मैं कैसी भी रहूं, इससे तुम्हें क्या मतलब? जरूरी नहीं कि हर किसी को एक ही जैसी चीज पसंद हो। महत्वपूर्ण ये है कि जो भी करो दिल से करो, वो करो जिसे करके तुम्हें खुशी मिले, संतुष्टि मिले। साईं, मेरी मदद करो, मुझे राह दिखाओ, मुझे क्या करना चाहिए बताओ साईं। अरे चलो, आज मुझे जल्दी पहुंचना है। अरे चलो, अरे आज मुझे जल्दी पहुंचना है और तुम रुको। इन बेजुबानों पर जुल्म क्यों ढा रहे हो तुम? जुल्म नहीं कर रहा हूँ, मेरी आई की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे आज जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है। ये बैल है कि आज ही सब नखरे दिखा रहे हैं। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन किसी को चोट पहुंचाना, उसे तकलीफ देना, ये तो अच्छी बात नहीं है। ये भी हमारी तरह है, इन्हें भी तकलीफ होती है, दर्द होता है इन्हें। और तुम ये भूल कैसे सकते हो कि ये तुम्हारे लिए काम करते हैं। न दिन देखते हैं न रात, न धूप न बारिश, न कंकड़ पत्थर न मिट्टी, बस तुम्हारे इशारे पर चलते जाते हैं। पेट भरते हैं तुम्हारे परिवार का, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए इनका। बजाय शुक्रगुजार होने के तुम इन्हें तकलीफ पहुंचा रहे हो। खिलाने वाले हाथों को काटा नहीं करते। आप सही कह रहे हैं। साई, ये अपनी आई को दे देना और इन बैलों को पानी पिलाओ। जी। तुम रहम दिल इंसान लगते हो। बैलों पर जुल्म होता देखकर तुम्हें बुरा लग रहा था, परेशान हो रहे थे तुम, तो फिर कुछ कहा क्यों नहीं? जी वो मैं
किसी पर जुल्म होता देखकर, अत्याचार होता देखकर, अन्याय होता देखकर चुप रहना, कुछ ना कहना, अपनी आंखें मूंद लेना, इससे तुम्हारा कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता, बल्कि उस पाप उस अत्याचार में तुम भी सहभागी हो जाते हो। ये सारे पैसे, हाय मैं तो अमीर हो गई, कितनी अमीर हो गई, उम्मीद से भी ज्यादा मिला है मुझे। मैंने जो मांगा भगवान ने उससे कहीं ज्यादा दे दिया मुझे। छिपरी कहाँ जा रही है और किस सोच में डूबी है? कुछ नहीं आई, मैं ये सोच रही थी कि अब तो हम साई के पास जा सकते हैं ना। हाँ क्यों नहीं, चल अभी चलते, चल मैं तो भूल ही गई, चल 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 मैं बताती हूँ, तू चल। मैं इसे अंतर रख देती हूं। साई के लिए मिठाई ले लेती हूं। हे भगवान, तूने छिपरी को कितना अच्छा वर और घर दिया है। इन लोगों के साथ रिश्ता तोड़कर रखने का मुझे इतने सालों से बेहद दुख था, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि जिप्रिका इतनी अच्छी जगह पर रिश्ता करवाकर मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है। उन खोए हुए दिनों की, महीनों की, सालों की भरपाई करने का मौका दे दिया आपने मुझे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांता का, अरे तुम लोग इतनी जल्दी आ गए। शांता का, आपने हमारे लिए जो कुछ किया है हम उसके लिए आपके एहसानमंद हैं। हमारा रोम रोम आपका ऋणी है। कैसी बातें कर रही है तू? अरे इतने सारे सिक्के नीचे क्यों बिखरे हुए हैं? मैं इन्हें समेट लेती हूँ। इस सयानी ने पैसे और सामानों को ठीक ठीक से देख लिया है। इसकी नजर से एक भी सामान या सिक्का इधर से उधर हुआ तो ये जान जाएगी। लेकिन तू क्यों घबरा रही है शांता? बाद में तो ये सब तेरा ही होने वाला है। अक्का हम साई को मिठाई देकर आते हैं, चल जिप्री चल।
चलो मैं एक और चुटकुला सुनाती हूँ। नहीं, नहीं। छिपरी दीदी, शादी होने वाली है? हाँ गोविंदा, साई बधाई हो, जिपरी की शादी तय हो गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चिपरी, तेरा रिश्ता पक्का भी हो गया और तूने अपने भाई को भनक तक नहीं लगने दी। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि किसी से चर्चा करने का वक्त ही नहीं मिला। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरी बेटी को इतना बड़ा खानदान मिलेगा। ये जानते हैं साई, लड़का बहुत अच्छा है, बहुत सीधा है। मैं मिली हूँ उससे, बाइजाक का और पाटिल साहब भी मिले हैं। और सबसे जरूरी बात, शादी का शुभ मुहूर्त 3 दिन के बाद का निकला है, इसलिए शादी 3 दिन के बाद ही होगी। क्या आप 3 दिन बाद शेरी छोड़कर चली जाओगी? द्वारका मैं भी नहीं आओगी? मैं मिठाई लेकर आई थी, सब लोग मुंह मीठा करो। लीजिए साई। जिपरी, तुम खुश तो हो ना? अरे तुम तो मुंह मीठा करो, लो लो बेटा, लो अब्दुल। हाँ तो बच्चों, शादी के घर में सबसे ज्यादा काम धाम होता है, इसलिए तुम सब लोग मेरी मदद करोगे, ठीक है ना? मैं साईं। सब मुझे जिपरी बुलाते हैं। जिपरी? ये भी कोई नाम हुआ भला? तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो।
दीदी इतनी खुशी का मौका है, एक चुटकुला तो बनता है। एक बार एक चींटी हाथी के पास गई और बोली, देखो मना मत करना, बड़ी उम्मीद से आई हूँ, मुझे तुम्हारी कमीज चाहिए। तो हाथी ने कहा, हाँ मैं दे तो दूंगा, लेकिन तुम्हें चाहिए क्यों? तो चींटी बोली, कल मेरी बेटी की शादी है, अगर तुम कमीज दोगे तभी तो शामियाना लगेगा। लेकिन परी हाथी कहाँ कमीज पहनता है? तो चींटी की भी शादी थोड़ी होती है, चुटकुले में सब चलता है। तुम्हारे चुटकुले सब बिना मतलब के। तुम बुद्धू? नहीं तुम बुद्धू? नहीं तुम बुद्धू? मैं लक्ष्मी से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। सरकार मैं जाऊं, आई की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है जाओ तुम। सरकार मिल रहा है उस लड़की से? जी बाबा। कैसी लगी? शांता से यही उम्मीद थी मुझे।
बाबा। क्या है? ऐसा मत कीजिए बाबा। उसे सिखाएगा तू अपने बाप को क्या करना है क्या नहीं करना है? जो मैं कर रहा हूं उसी में सबकी भलाई है, समझे? और जब से ये रिश्ता तय हुआ है मेरी आई इतनी खुश है जितनी वो पहले कभी नहीं हुई थी। करूंगी, मेरी आई के लिए मैं ये शादी करूंगी। मुझे केवल तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए सर। तुम्हारे आशीर्वाद के बिना मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। क्या हुआ साई? मैं सही तो कर रही हूं ना? मुझे पता है तुम्हारे होते हुए मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं ये बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। बताओ ना साई। खुद को नुकसान से बचाने का केवल एकमात्र तरीका है तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारा आत्मबल। बताओ, है तुम में वो आत्मबल, वो आंतरिक शक्ति? तुम्हारे होते हुए मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती हूँ साई। कहना आसान है लक्ष्मी, लेकिन अगर मैं तुम्हारी परीक्षा लूं तो? लो लो मेरी परीक्षा साई। तुम इसे पिघलाओ, पर ध्यान रहे पिघलाने के बाद भी इसकी एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। अंत तक यह तुम्हारे हाथ में ही रहना चाहिए और मुझे बहुत जल्दी है। जरूर साई। Oh,
हाथ जल जाएगा लक्ष्मी। मैंने कहा ना साईं, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा। यदि ये सिक्का पिघलाने के लिए तुमने मुझे कहा है, तो मैं ये सिक्का पिघला कर रहूंगी, चाहे इसके दौरान मेरा हाथ क्यों ना जल जाए, वो दर्द मैं बर्दाश्त कर लूंगी। कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई क्या हुआ था साई? मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा शरीर तप रहा है। तू अपनी अग्नि परीक्षा में सफल हो गई। बस और कुछ नहीं हुआ। शुक्रिया साई। अपने घर जा, तेरी आई तेरी राह देख रही होगी। जा। जी साईं, तुम शादी में आओगे ना? घर जा। लक्ष्मी, बाइजाक का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस गरीब की लाज रख ली, आपने अपना वचन निभाया, आप अपने घर में जिपरी की शादी करा रही हैं। नहीं तो पता नहीं मेरी छोटी सी झोपड़ी में क्या हो पाता। सुमित्रा, कितनी बार याद दिलाऊं कि जिपरी हमारी भी बेटी है। ए जिपरी, आ गई। देख, इसमें से तुझे जो भी और जितनी भी साड़ियां चाहिए ना,
ले ले, सब कुछ मेरी तरफ से। और सुनो, तुम लोग भी सब एक एक ले लो मेरी तरफ से। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? अरे मेरी भतीजी की शादी है, धूमधाम से मनाएंगे। अच्छा भाईजा, इस वक्त ना ये सारे पैसे ना तुम दे देना। क्या है कि मैं यहाँ ही ना तभी इतने पैसे लाई नहीं थी, जैसे अपने घर पहुंचूंगी ना भिजवा लूंगी, ठीक है? कोई बात नहीं, आप आराम से भिजवा दीजिए। ला चिपरी, ये मुझे दे दे। चल तू साड़ी देख। अक्का, आपके घर से याद आया, प्रहलाद और बहू आ रहे हैं ना शादी में। बस पहुंचते ही होंगे, निकल चुके हैं वहां से। मुझे यकीन है कि प्रहलाद ना अपनी बहन के लिए जरूर कोई अच्छा सा तोहफा ढूंढ रहा होगा। और आप भी तो अपनी बहू के लिए अच्छी सी साड़ी देख लीजिए। क्या हुआ, भतीजी की शादी की चिंता में ना अपनी बहू को भूल ही गई। मेरे ख्याल से ये साड़ी आपकी बहू के लिए ठीक नहीं होगी। हाँ, और अपनी बहू के लिए सफेद साड़ी कोई लेता है भला? अरे ये नहीं, ये। कैसी है, अच्छी है ना? अच्छी है। पैसा, मुझे ना एक काम याद आ गया, मैं अभी जाकर आती हूँ। तुम एक काम करो ना, जिबरी के साथ साड़ियाँ देखो। हाँ मैं अभी आई। क्यों आया यहाँ? हाँ मना किया था ना तुझे। अब तो शादी की तैयारियां भी चल रही हैं। हाँ तो? तो मैंने अपना काम कर दिया है और आपका भी काम हो गया, तो वादे के मुताबिक मुझे मेरी बाली दे दीजिए आप। ये लड़का मेरे गले की हड्डी बनने वाला है, इसलिए इसे चलता करने का समय आ गया है। तुझे बालियां चाहिए ना? लाती हूँ। हाँ अभी लाती हूँ। ये ले तेरी बालियां। अब खुश? चल अब ना दफा हो जाए यहां से। ऐसे कैसे चला जाऊं, पहले देख तो लूं। ये क्या मजाक है? क्या? ये तो मिट्टी की बाली है। हाँ तो तुझे क्या लगा मैं तुझे सोने की बालियां दूंगी? चले अपनी शक्ल देखिए, क्या औकात क्या है? हाँ तेरी सोने की बालियां चाहिए, निकल यहाँ से। चल निकल। ये आप मेरे साथ गलत कर रही हैं, धोखा दे रही हैं मुझे, ऐसा मत कीजिए। नहीं तो क्या क्या कर लेगा? हाँ जाकर सबको बताएगा। जा बता, लेकिन उसके लिए तेरे पास सबूत होना चाहिए। है ठेंगा, कुछ भी तो नहीं है। एक बात कान खोल कर सुन ले,
अगर जाकर तूने किसी को कुछ बताया है तो मैं तो अपनी सफाई में सबको बोल दूंगी कि मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ, लिखना पढ़ना नहीं जानती हूँ, पत्र में क्या लिखा है वो तो यही जाने, और सारा इल्जाम तुझ पर आएगा और दोषी तुझे ही ठहराया जाएगा। इसीलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप इसे रख और निकल यहां से, समझे? धोखा दिया मुझे, समझती क्या वो अपने आप को? बड़ी है तो क्या वो अपनी मनमानी करेंगी? क्या मेरी मेहनत और समय का कोई मूल्य नहीं है? अपने वादे से मुकर गई वो। क्या मैं उनकी योजना के बारे में सबको बता दूं? नहीं, वो बहुत चलाक है, कहीं उल्टा मुझे ना फंसा दे। क्या करूं अब मैं? हे भगवान, आपसे तो कभी कुछ छुपा नहीं है, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? मेरी जरूरत लगे तो मुझे याद करना। साई, मेरे साथ धोखा हुआ है। शांता काकी ने एक काम करने के लिए मुझसे कहा और वादा किया कि काम होने पर वो मुझे बाली देंगी। मुझे लगा कि सोने की नहीं तो कम से कम चांदी की बाली मिलेगी, लेकिन मिला क्या? ये मिट्टी की बाली। देख रहे हैं आप, खुलेआम धोखाधड़ी की है मेरे साथ। तुमने ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया है जिसके लिए तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें सोने की बालियां दी जानी चाहिए? साई, मुद्दा काम का नहीं है, वादे का है। उन्होंने वादा किया था बाली देने का, तो वो मिट्टी की बाली कैसे दे सकती है मुझे? क्या ये धोखा नहीं है? अगर मेहनताने के रूप में तुम ये बालियां नहीं लेना चाहते थे तो फिर इन्हें स्वीकार ही क्यों किया? और अगर ले ली थी तो संभाल के क्यों रखी?
नहीं चाहिए थी तो फेंक देते। मुझे लगा कि आप मेरी मदद करेंगे, आपने मुझसे कहा भी था, लेकिन ऐसा लगता है सारे शिरडीवासी एक जैसे ही हैं, धोखेबाज। ये कैसी आवाज थी? शायद बालियों के टकराने की आवाज थी। मजाक मत करिए साई, मिट्टी की बाली की आवाज कैसे आ सकती है? अब आप शिरडी वाले मुझे और मूर्ख नहीं बना सकते। एक बार देख तो लो। ठीक है, नहीं साई। तो फिर करते रहो प्रयास, बाली निकल ही आएगी। ओ कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है, जो कुछ है हाथ में तेरे यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। लगता है साई को सच बताना ही पड़ेगा। एक बात है साई, सच बोलने से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, केवल सत्य ही है जो तुम्हें मुक्त कर सकता है। बैठो।
क्या बात है? हाँ साईं, मैंने आपसे सच छुपाया। शांता काकी ने मुझसे ढोंडी के नाम से एक पत्र लिखवाया था और उस पत्र को झिपरी के घर यह कहकर पहुंचाने का काम दिया कि वो चिट्ठी उनके बेटे प्रहलाद ने उन्हें मुझे देने के लिए कहा। उसके बाद मुझसे दूसरा पत्र लिखवाया जो पहले पत्र का जवाब था। फिर उस पत्र को ले जाकर मुझे पुतांबा जाकर ढोंडी के घर देने के लिए कहा जहाँ झिपरी की शादी तय हुई है। तुम्हें पता भी है ऐसा करके तुमने कितना बड़ा गुनाह किया है। तुम्हारी भी तो एक बहन है ना, लक्ष्मी की उम्र की, उसी की शादी के लिए इतना प्रयास कर रहे हो ना। आप कैसे जानते हैं मेरे बारे में सब कुछ? तुम्हारे माता पिता तुम्हारी बहन की शादी के लिए एक अच्छा घर ढूंढ रहे हैं। सोचो अगर तुम्हारी बहन के साथ भी ऐसा ही धोखा हो तो कैसा लगेगा तुम्हें? मुझे माफ कर दीजिए साईं, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। सोने की बाली पाने के लालच में मैं बहक गया था, सोचा मेरी बहन के काम आएगी, लेकिन उसके लिए किसी को इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी इसका मुझे अंदाजा नहीं था साईं। किसी के साथ धोखा करके मैं अपनी बहन को सच्ची खुशी नहीं दे पाऊंगा। साईं, जो हो गया मैं उसे बदल तो नहीं सकता, लेकिन जो होने वाला है उसे सुधारने का मैं जरूर प्रयास करूंगा। बताइए साईं, मुझे क्या करना होगा? आपके पास कोई तरकीब होगी जिससे मैं अपनी गलती सुधार सकूं? आप तो जरूर जानते होंगे साईं। बताइए साईं, इस बिगड़ी को बनाने के लिए कोई तरकीब होगी आपके पास? चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं करूंगा साईं। बताइए मुझे साईं, क्या करना है मुझे? जो भी गलती करी है उन्हें सुधार करने का बस एक ही तरीका है। ठीक है साई, मैं ही जरूर करूंगा। सारा सामान अच्छे से रखना वरना बाबा गुस्सा करेंगे। बाबा को गुस्सा होने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। जानती हो कल उन्होंने मुझे शादी के बारे में बताया तो मैं हल्का सा चौंक गई। फिर क्या था, चिल्लाने लगे मुझ पे। अब अचानक से शादी तय होने की बात सुनकर कौन हैरान नहीं होता। पता नहीं ये लड़की कैसे शादी के लिए मान गई। कहां मर गई? जी बाबा। अरे मायके में क्या आराम करने आई हो तुम दोनों बहने? हमें शिरडी जाना है, ये सब सामान रखवा दो जल्दी। जी बाबा।
क्या हुआ है? मैं तुझे कल से देख रही हूँ, इतना परेशान क्यों है? क्या बात है, बोलना। बोल ढोंडी, तू बता सकता है, अपने दिल की बात हमसे कह सकता है। भले ही हम तीनों अलग अलग माओं से पैदा हुए हैं, पर हम तीनों भाई बहन हैं। बताना क्या बात है। क्या हो रहा है? साईं, आपने इस बेल को ये कहते हुए बांधा था कि अभी ये कमजोर है, इसे इस पेड़ के सहारे की जरूरत है, तो फिर आज आप इसकी गांठ क्यों खोल रहे हैं? ये देखने के लिए कि ये बेल मजबूत हुई है या नहीं। बारिश, तूफान जैसी परिस्थितियों का सामना खुद कर सकती है या नहीं। लेकिन साईं, ये बेल इस पेड़ की तरह मजबूत नहीं हुई है, और उसके अलावा इसकी अभी इतनी उम्र भी नहीं हुई है कि ये अपने बूते पर खड़ी रह पाए या प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर पाए। राणो जी, तुम एक पौधे को उसकी आवश्यकता के अनुसार पानी देते हो। वो बढ़े, उसका विकास हो, वो मजबूत बने, इसलिए अच्छी से अच्छी खाद डालते हो उसमें। ये सुनिश्चित करते हो कि उसे हवा मिले, धूप मिले, अर्थात उसके विकास के लिए जो कुछ आवश्यक है वो सब कुछ उसे देते हो। लेकिन एक निश्चित समय के बाद तुम्हें उस पौधे को मुश्किल हालातों से लड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए, ना कि उसे सहारा देते ही रहना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो वो नन्हा पौधा पेड़ की तरह मजबूत कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि आवश्यकता से अधिक दिया जाने वाला सहारा हमें कमजोर बनाता है, हमसे हमारा आत्मविश्वास छीन लेता है। वो तो ठीक है साईं, लेकिन आपने इस बेल को हर प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ने के लिए, मजबूती देने के लिए बहुत मेहनत की है। अगर ये आपकी उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं निकल पाई तो इसको ही तो आत्मविश्वास कह लें। क्या चल रहा है तुम तीनों का? ये ढोंडी, पता नहीं इसे क्या हुआ है, कल से कुछ बोल ही नहीं रहा है। उसकी चिंता छोड़ो, हमें जल्दी शिरडी पहुंचना है। सेहरा बांधो। जी बाबा।
बेचारी झिपरी, उसे तो यही नहीं पता कि उसकी शादी मुझसे नहीं, मेरे पिताजी से हो रही है। जिपरी बेटा, जिपरी तैयार हो गई कि नहीं? ये क्या गहने क्यों नहीं पहने? न मांग टीका पहना है, न हार पहना है, न नथ पहनी है, क्यों नहीं पहने गहने? आत्या, वो सब उनके गहने हैं। उनके गहने अब तेरे गहने बनने वाले हैं। तू ना बड़े घर की बहुरानी बनने वाली है। ये तेरी पुरानी गरीबी को भूल जा, गहने पहनने की आदत डाल ले, पहन ले। नहीं आत्या, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक उनके सामान पर मेरा हक नहीं है, और मैं दूसरों का सामान नहीं ले सकती। अरे तुझे लेने को कौन कह रहा है, थोड़ी देर के लिए पहन लेना। देख बेटा, शादी ब्याह ना जिंदगी में एक ही बार होता है, सब लोग अपने सारे अरमान उस वक्त पूरे करते हैं। तेरे ससुराल वाले ये चाहते हैं कि दुल्हन और सुंदर दिखनी चाहिए। अरे मेरे लिए नहीं, तेरे लिए भेजे ये सब। सोचना शादी से पहले कितना प्यार है उन लोगों को। अगर वो लोग तुझे ऐसे बिना गहने के देखेंगे तो उनको बुरा नहीं लगेगा, उनके भी तो अरमान है ना। रुक जा, ले ये ना हार पहन ले। शांता अक्का। हाँ। द्वार पूजा की थाल आके देख लीजिए। आती हूँ। ले चंपा, इसे सब कुछ पहना देना, पहन ले। जिपरी, अगर तेरे शादी करना चाहती है अपनी खुशी से, तो फिर तेरे चेहरे पे ये उदासी क्यों? मैं सच कहूँ चंपा, तो मुझे ये सोचने का मौका ही नहीं मिला कि मैं क्या करना चाहती हूँ क्या नहीं। तू जानती है ना आई को मेरी कितनी चिंता रहती है, तो आई की खुशी के लिए मैं ये शादी कर रही हूँ। जिपरी, शादी तेरी हो रही है, इतना बड़ा फैसला बिना सोचे समझे? मेरी आस्था, मेरा विश्वास साई पर है, तो कैसा डर भय? आज तक साई ने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने दिया, तो भविष्य में क्यों होने देगा? अच्छा साई, मैं चलता हूँ, एक जरूरी काम से बाहर जाना है, काम निपटाते ही झिपरी की शादी में चला जाऊंगा। लेकिन साई, आपको तो इस समय वहां होना चाहिए था। मैं वही हूं जहां मुझे होना चाहिए था। चलता हूँ साई।
दूसरा पंडित? हाँ, छिपरी की बुआ पहले ही किसी दूसरे पंडित से बात कर चुकी है उसकी शादी कराने के लिए। और अप्पा जी, मैं तो वैसे भी लड़की वालों की तरफ से हूँ। हम लड़की वाले जितने ज्यादा होंगे बारातियों की खातिरदारी उतनी अच्छे से होगी, और शादी कोई भी कराए उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जल्दी जल्दी मंत्रोच्चार करना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें रुकना नहीं है, समझे? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए शांता काकी। बस एक ही बात है। क्या? हाथ सूखे रहे तो गला भी सूखा पड़ जाता है। लो। धन्यवाद। साय कहीं दिख नहीं रहा है, अच्छा है वो नहीं है, नहीं तो बिना बात के काम में टांग अड़ाता। सब कुछ ले लिया, कुछ भूली तो नहीं? हे देवा, मैं मंगलसूत्र कैसे भूल गई, मैंने मंदिर में रखा है। धोंडी जा, जरा लेकर आ। हाँ ताई, अभी लेके आता हूँ।